आप देखिए। जी हलीमा सादिया स्टार्ट करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज हलीमा सादिया एंड माय रोल नंबर इज 44। आई एम रिप्रेजेंटिंग अ स्केल 26 व्हिच इज अबाउट टू डायमेंशन अरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज टू डायमेंशन अरेज। टू एक डायमेंशन अरे मिनट ठहरिएगा, थोड़ा सा ना अपनी आवाज लाउड रखें, ठीक है? जैसे कुछ साथ वाले कमरे में लेक्चर सुन रहे हैं और आप यहाँ से इन्हें लेक्चर दे रही हैं, ठीक है? इस तरह से मतलब आप आपकी आपका वॉल्यूम होना चाहिए। और दूसरी बात है, बस ओके टास्क सर, बताएं कि करना क्या है और फिर कैसे करेंगी, उस पर जुमले बोलें, फिर प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। टास्क क्या है अच्छा, सर? हम लोग जो टास्क ये है कि एक प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं टू डायमेंशन अरेज पे, जो कि मैट्रिसेस को डील करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो उसी के लिए हमारा जो प्रोग्राम है वो है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। यानी हमने सम फाइंड करना है टू मैट्रिसेस का, जिनका जिसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन का। यानी तो टास्क ये ये हम लोग मिली ये है, टास्क ये मिली है कि हमने प्रोग्राम बनाना है सी प्लस प्लस में, टू डायमेंशन। और जो के दो मैट्रिसेस इनपुट ले और उनका हाँ सम, जी, तीसरा मैट्रिक्स यानी उनका सम वो आउटपुट दे, ठीक तीसरे है? मैट्रिक्स। हाँ जी, यस यस सर। ये टास्क मिली है आपको। अब आप इस टास्क को करने के लिए प्रोग्राम लिखना चाह रही हैं, तो प्रोग्राम के बारे में बताएं कि प्रोग्राम में क्या कुछ आप करना चाहेंगी, और उसमें अब लफ्ज आप इस्तेमाल करें कि मैं इस काम को करने के लिए सी प्लस प्लस में मुझे टू डायमेंशनल एरेज बनानी होंगी। हर मैट्रिक्स के लिए एक टू डायमेंशनल एरे बनानी होगी मुझे। हाँ जी, जी हर हम अब जो अब हमें दो मैट्रिक्स चाहिए, उनके लिए दो डायमेंशन अरेज भी चाहिए होंगी हमें। तो जो उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके जो तीसरी मैट्रिक्स बनेगी ना, हमने उसको फाइंड करना है, उसका सम लेना है, वो भी एम क्रॉस एन होगी। तो हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लाइन नंबर 5 से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। हमने सबसे पहले चार टाइप के वेरिएबल हैं उसको डिक्लेयर करवाया है, आई जे एम और एन। जो टाइप एम लिखिए, है वो नंबर ऑफ, वो उसे बता रही, चार टाइप के नहीं एम जो थी, है चारों की टाइप एक ही है। ठीक हाँ जी, चार इन टाइप के चार इंटीजर्स हैं, चल, ठीक है। वेरिएबल्स। गुड, एम जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिसेस बता रहे हैं, एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिसेस बता रहे हैं, जबकि आई और जे है वो है काउंट कंट्रोल रेपिटेशन के लिए हमें जो लूप्स चाहिए होती हैं। अब जैसे ये टू डायमेंशन अरेज है, तो इसलिए हमें टू इंटीजर्स चाहिए आई और जे दोनों लूप्स के लिए। तो ये हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। फिर उसके बाद गुड, लाइन नंबर 10 में हमने नंबर ऑफ रोज है उसको सीन करवाया एम को, और जो लाइन नंबर 12 है उसमें हमने नंबर ऑफ कॉलम्स यानी एन को सीन करवाया। फिर अच्छा बात सुनिएगा, हमने सुनिए कुछ जी, बात सुनिएगा। जी जी सर, देखें, जब आपने लाइन नंबर 7 में एम और एन डिक्लेयर की है, वहां पे आपने एक ऐसा जुमला बोला है, उसके बाद लाइन नंबर 10 और 12 के बारे में बताते हुए आपने एक जुमला बोला है, वो थोड़ा सा उस रियलिटी को एक्सप्लेन करने का जो उस रियलिटी को, फैक्ट को देखने का पर्सपेक्टिव है, वो जरा ठीक करना है। आपने कहा है कि एम रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, जब आपने लाइन एन नंबर 7 में डिक्लेयर किया है एम और एन, तो अभी तो जस्ट दो वेरिएबल्स हैं। आप यूं कहें कि इन दो वेरिएबल से आगे चलकर हम ये काम लेंगे, जब नंबर ऑफ रोज की वैल्यू आएगी वो हम एम को दे देंगे, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू आएगी वो मेरी मर्जी है, मेरी चॉइस, चले मैंने उसको एन में रख लिया, ठीक है ना? अभी तो ये खाली बर्तन है, बात हाँ जी, समझा ठीक है रही है? सर, अभी आगे जैसे समझ ये गया। कोई ट्रे है, प्लेट है, ऐसे कह लें, अब मेरी मर्जी मैं प्लेट में क्या रखूं, तो आगे चल के मेरी चॉइस ये है एज ए प्रोग्रामर कि मैं एम वाली ट्रे के अंदर, एम वाली प्लेट के अंदर नंबर ऑफ रोज की वैल्यू रखना चाहूंगा, और एन वाली प्लेट के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, मैं नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू सेव कर लूंगा। ये मेरी चॉइस है, ठीक है? और आपने इसको ऐसा फॉलो कर लिया, ठीक है? एम और हाँ एम तो जस्ट ठीक है बर्तन सर, है, उसमें जब बर्तन कहेंगे तो बर्तन की चीज का जिक्र तो बाद में कह पाएंगे जब उसमें वो चीज आ जाएगी, ठीक है ना? हम्म।
तो इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ सिंपल ये है कि जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आगे चल के हम इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? आपके मतलब जुमले से कुछ ऐसा नजर आना चाहिए, ऐसी बात आनी चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं है, वो हाँ, जस्ट एम और एन दो वेरिएबल्स ही है, जस्ट लाइक आई जे। और ये साथ ही दूसरी चीज ये कि अगर आप बताना चाहें तो वो ये होगी कि आई और जे आगे चल के हम लूप में इंडेक्स वेरिएबल के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है? अब आप लाइन नंबर 14 से शुरू करें। लाइन नंबर 14 में हमने कुछ इन टाइप के वेरिएबल्स और डिक्लेयर करवाए हैं, ए जो मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो मैट्रिक्स बी को रिप्रेजेंट करेगा, और सी जो है वो उन दोनों को ऐड करके मैट्रिक्स को, जब दो मैट्रिक्स ऐड होती है तो तीसरा भी एक मैट्रिक्स ही बनता है, तो इसलिए वो सी भी एक मैट्रिक्स है। तो एम एम और एन जो है ये टू डायमेंशनल एरेज है जो कि रोज और कॉलम्स को शो कर रही है ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर हम आए हैं, अब हमारा जो है ना प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट हो गया है लाइन नंबर 16 से। लाइन नंबर 16 में हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट आउट स्क्रॉल डाउन करवाई कर है, लें, राइट? जी जी सर, स्क्रॉल डाउन कर लेना लाइन नंबर 16 को, स्क्रीन के ऊपर वाली साइड पर ले आए और ले आए और ले, जो स्ट्रक्चर है जो नीचे लिखी हुई है हमें नजर आ जाए पूरी। चलो शाबाश, हम अब ठीक है, मच बेटर हमने देन लाइन नंबर अभी। 16 में एक जो वो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवाई है, एंटर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से। अब हमें ये पता होना चाहिए जो मैट्रिक्स है वो दो एलिमेंट तो उसकी जो कंसिस्ट करती है वो करती है रोज और कॉलम्स पे। फिर रोज और कॉलम्स के लिए हमें दो लूप्स चाहिए होंगी, तो जो रोज के लिए हमने जो इंडेक्स वेरिएबल लिया वो आई लिया, और जो कॉलम के लिए हमने इंडेक्स वेरिएबल लिया वो जे लिया। लाइन नंबर 17 में फॉर लूप चली है, जीरो से चली है एम तक। एम क्या है? नंबर ऑफ रो तक। M-1 और लाइन सर मुझे समझ M-1 नहीं। तक, M तक नहीं, M-1 तक, जीरो हाँ, से एम M तक माइनस चली। वन एम माइनस वन तक चली है। इसी तरह जो 18 है, लाइन नंबर 18, उसमें एक नेस्ट फॉर लूप लगी हुई है जो जिसमें जे जो है वो इंडेक्स वेरिएबल है जो जीरो से चली है और एन माइनस वन तक चलेगी। फिर लाइन नंबर 20 में हमने ए को सी इन करवाया है। अगर हम आई और जे की जगह, यानी आई जो है वो नंबर ऑफ रोज और जे जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी जगह हम गलत जीरो गलत लिख दें गलत गलत, इंडेक्स आप वेरिएबल मेरी से। बात सुने, मेरी बात सुने, आप धीमे धीमे बहुत सारी गलत जो है वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए जा रही हैं। देखें, आई जे नंबर ऑफ रोज नहीं, आई जे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स नहीं है। नंबर ऑफ रोज काउंट कंट्रोल रेपिटेशन डायमेंशन के डायमेंशन जो इंडेक्स है वो एम वेरिएबल है। और एन ही है, ठीक है? आई जो है वो रोज की तादाद, करंट रो की जो नंबरिंग है वो वेरी करने के लिए रख लिया आपने, और जे का करंट कॉलम की नंबरिंग वेरी करने के लिए रख लिया है। और 17 और 18 को बताते हुए आपने जुमला ऐसा बोला कि जैसे वो 17 18 वहीं मुकम्मल हो गए। नहीं भाई, ये 17 से लेकर 21 तक एक सेट है जिसमें हम गोल 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 एक खास अंदाज में घूमते रहेंगे। और पर्पज क्या है इसका कि हमने ए में ट्रैवर्स करना है, ए के हर एलिमेंट पे बारी बारी जाना है। तो जब भी ए के एलिमेंट पे जाएंगे तो हमें उसका रेलिवेंट रो नंबर बताना होगा, रेलिवेंट कॉलम नंबर बताना होगा। इस काम के लिए ये जो सर जो इंसान वर्किंग कैसे हो रही है इसके आई बारे में दो तीन जुमले बोल दें तो अच्छा होगा। सर जो हमने लाइन नंबर 18 में फॉर लूप लगवाई है वो रो को वेरी कर रहा है, और जो लाइन नंबर 18 में फॉर लूप लगाई है नेक्स्ट नेक्स्ट साइड पे जो लगी हुई है वो कॉलम्स को वेरी कर रहा है, और जो लाइन नंबर 20 में ए है ए हमने ट्रैवर्स करवाया है, और जो लूप लगाई है ना वो जीरो से लेकर नंबर ऑफ रोज तक चलेगी जितने भी हम नंबर चाहते हैं। लिसनर्स के लिए कि जी आई पहले जीरो सेट होगा, हम आई जीरो लेकर लाइन 18 पर कंट्रोल आ जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम पे, फिर जे हाँ, जीरो होगा और हम के अंदर आ जाएंगे। तो ये यस ए सर, जीरो जीरो की बात हो रही होगी, फिर जे में एक का इजाफा, फिर 0-1 की बात होगी, फिर जे में दो का इजाफा, एक और का इजाफा, जे दो हो जाएगा तो 0-2 की बात होगी। इस तरह से आखिरी जे की वैल्यू होगी N-1, लूप मुकम्मल हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आके कंट्रोल ऊपर वाली लूप पे आ जाएगा। फिर आई में एक का इजाफा होगा, I-1 होगा, फिर I-1 के लिए A-1 0 से लेकर N-1 तक मूव करेगा, A-1 0, A-1 2, A-1 3 अप टू A-N-1।
इस तरह से I1 के लिए काम अंदर आके हो गया, फिर I2 के लिए ये सारा रिपीट होगा। तो इस तरह से हमने ए मैट्रिक्स में रो वाइज ट्रेवर्स करना है। रो वाइज इसलिए करना है कि हमने इस कोड की स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाई है। हमने जो रो नंबरिंग है, चूंकि वो पहला जो पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसमें रो नंबरिंग होती है, तो रो नंबरिंग हम आउटर लूप में सेट करते हैं, तो आउटर लूप में फिक्स करके अंदर आते हैं, और जो इनर लूप है यानी कॉलम की नंबरिंग है, जे की नंबरिंग है, वो वेरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक मौके के ऊपर जब हम जे वेरी कर रहे होते हैं तो आई जो भी होता है वो फिक्स होता है, वो रो नंबर है। तो I0 का मतलब है पहली रो, फिर I1 का मतलब है दूसरी रो, तो जब I2 होगा तो वो तीसरी रो है, जब तीसरी रो होगी तो जे वेरी करेंगे, इसका मतलब है हम तीसरी रो में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह हम रो नंबर सेट किया करेंगे और अंदर आके कॉलम नंबर वेरी करेंगे। तो इसका मतलब हमने रो में ट्रैवर्स किया। तो जब ये लूप दोनों मुकम्मल हो जाएंगे, कंट्रोल लाइन नंबर 21 से नीचे आ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि हम ए मैट्रिक्स में एक बार ट्रैवर्स कर चुके होंगे। अच्छा, ट्रैवर्सिंग में करना क्या है? ट्रैवर्सिंग में आपने किया ये है कि जब भी जिस एलिमेंट पे जाते हैं उसमें हम सी इन कर लेते हैं, यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा और वो वैल्यू उस रेलिवेंट सेल में एंट्री में एलिमेंट को वो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सी इन करने के लिए, इनपुट लेने के लिए हमने ट्रैवर्सिंग की है। फिर लाइन नंबर 24 से लेकर 29 तक एग्जैक्टली यही काम रिपीट किया गया है बी मैट्रिक्स की एंट्रीज या एलिमेंट्स की वैल्यूज लेने के लिए। अब आप लाइन नंबर 30 से शुरू करें। लाइन नंबर 30 में हम 30 में फाइंडिंग द सम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी सो दैट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये वही हुआ है कि हमने यहाँ पे सी का फॉर्मूला बताया कि जो सी है, जो मैट्रिक्स सी है विद ऑर्डर एम क्रॉस एन, वो किस तरह आए हैं? वो आए हैं मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। तो इधर भी हमने फॉर लूप चलाई है, सबसे पहले लाइन नंबर 31 में, और जो कि इसमें हमने फॉर लूप चलाई है 0 से m माइनस 1 तक, और फिर नेक्स्ट में एक फॉर लूप चलाई है 0 से n माइनस 1 तक। और जब जब i की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ ai 0 हो जाएगा, bi 0 हो जाएगा, तो c को जो वैल्यू मिलेगी जब i की वैल्यू 0 होगी तो j कैसे बता दिया आपने? नहीं नहीं, j नहीं, i 0 हो जाएगा। जे तो थर्ड रो में, जब हम तीसरी वैल्यू लिखेंगे यानी 2, आई जब 2 होगा तो हमारे पास जे की वैल्यू 1 आएगी, जो हमारे पास कॉलम बन जाएगा। तो फिर वो जो इन दोनों को ऐड, बस ने बस दोबारा शुरू करें, आई 0 किया फिर क्या होगा? लाइन नंबर 31 पे आई 0 हो गया, फिर क्या होगा? सर फिर कंट्रोल इधर आएगा ना लाइन नंबर 33 पे। 32 पे क्यों नहीं आएगा सर? कॉलम्स अभी 0 है ना सर, कॉलम 3 से नहीं बनेंगे? मेरी बात सुने, दोबारा जुमला सुन लें। कंट्रोल है लाइन 31 पे, आई की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है? यस सर। अब नेक्स्ट क्या होगा? 0 हो गई सर, तो यहाँ आई पे ए आई में उसकी वैल्यू 0 पुट की और बी आई में, तो ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू सी को असाइन हो जाएगी। ये एक पास सर पूरा होगा ना, कॉन्सेप्ट्स में काफी झोल लग रहा है जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप मेरी बात में नोट कर रहा हूँ कि कोई उस पर गौर नहीं कर पा रही इस वक्त, सिर्फ आप जो है कुछ बता देने के मूड में है कुछ, और वो उसमें गलती भी है तो शायद मेरी बात आप पिक नहीं कर रही। आप जरा गौर सुनिएगा मेरी बात को। लाइन नंबर 31 पे है, आई को 0 मिला, तो उसके बाद कंट्रोल एग्जीक्यूशन टाइम पे लाइन नंबर 32 पे आ जाएगा, फिर जे को 0 मिलेगा। बात समझ आ गई है? यस सर। उसके बाद कंट्रोल आ गया। देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात पे ज्यादा फोकस कर लें। हम अगर आपकी बात में झोल है तो हम जल्दी से उसको समेट कर कुरेक्शन करके आगे चलेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मतलब इस पे उदास भी नहीं होना चाहिए। आई को हमने 0 सेट किया, उसके बाद कंट्रोल लाइन नंबर 32 पर आएगा, और जो बता ही नहीं रही आप, 32 पर आके जे 0 हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल आएगा लाइन नंबर 33 पे, इसमें इक्वल के राइट साइड पे ए और बी मौजूद हैं, तो वो पहले की तरह ट्रैवर्सिंग करने के लिए, अब हम दो दो एरेज में इकट्ठा ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो अब इस मौके पे जब कंट्रोल लाइन नंबर 33 पर आया है पहली बार, तो आई भी 0 है, जे भी 0 है, तो क्या बन जाएगा? ए 0 की बात हो रही होगी, साथ में बी 0 की बात हो रही है, और उनके दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग जो, इनफैक्ट दोनों 0 ले रहे हैं, ए 0 ले लिया, बी 0 ले लिया, और लेकर उन वैल्यूज को हमने ऐड करना है। तो
एक तीसरी वैल्यू आ गई है, उस तीसरी वैल्यू को हमने क्या करना है, तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे क्या मौजूद है, सी आई जीरो है, जे जीरो है, तो ये सी जीरो जीरो है, तो हमने ए जीरो जीरो की वैल्यू उठाई, बी जीरो जीरो की वैल्यू उठाई, वो असाइन कर दी है सी जीरो जीरो को. ओके यस आई गेट इट. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवाई है, द सम ऑफ टू मैट्रिक्स. कैसी बातें कर रही है, ऊपर चलें, अभी तो मैंने सी जीरो जीरो बनाया है, तो पूरा मैट्रिक्स कहां से बन गया, ऊपर तो आओ ना. सी जीरो जीरो के बाद हमने आई की वैल्यू वन लिखी, गलत, जो जे की थी वो गलत. सी जीरो जीरो के बाद अब आप कंट्रोल आएगा लाइन 32 पे, 33 के बाद कंट्रोल आएगा 32 पे, जे में एक का इजाफा होगा, जे वन हो जाएगा. जब जे वन हो जाएगा, अभी इस मौके पे आई जीरो ही है, जे वन हो गया है. अब आ जाए लाइन नंबर 33 पे कंट्रोल, तो क्या आ जाएगा, ए आई जे, आई की वैल्यू जीरो, जे की वैल्यू वन. मेरी बात गौर सुनिएगा, तो ये बन जाएगा जीरो वन और बी भी जीरो वन, तो ए जीरो वन और बी जीरो वन की वैल्यूज ऐड होंगी, जो उन दो वैल्यूज का एक सम आएगा, वो सम असाइन हो जाएगा सी जीरो वन वाली लोकेशन को. ये लाइन नंबर 33 मुकम्मल हो गई. फिर उसके बाद कंट्रोल दोबारा लाइन नंबर 32 पर आएगा, जे तब आई की वैल्यू इजाफा होगा, अभी जे की, अभी अभी जो अंदर की लूप है पहले वो खत्म होगी ना, फिर 31 पे बात आएगी दोबारा. असल में मेरा जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपको लूप की तरतीब का नहीं आइडिया. देखिए आपने कोड लिखा है, ऑब्वियसली कोड तो इतना बेसिक सा है, मतलब जो भी टेक्स्ट बुक या ट्यूटोरियल होगा जिसका मैट्रिसेस के बारे में, उसमें कोड सिखा देंगे, तो कोड तो लिखना मसला नहीं है, कोड तो बहुत सारे बेसिक इस तरह के बने मिल जाएंगे. पॉइंट ये के जो इसकी एक लॉजिकल तरतीब है काम करने की, वो जरा अंडरस्टैंड करें ना, एक नेचुरल फ्लो क्या है इसका. फिर जेब का टू हो जाएगा, जे टू होगा तो अंदर आएंगे, तो ये बन जाएगा सी ए जीरो टू प्लस बी जीरो टू, इनका सम असाइन हो जाएगा सी जीरो टू को. फिर जे की वैल्यू थ्री होगी, अंदर आएंगे क्या बनेगा, ए जीरो थ्री प्लस बी जीरो थ्री, इनका सम असाइन हो जाएगा सी जीरो थ्री को. फिर जे की वैल्यू फोर होगी, इस तरह जे बढ़ता रहेगा, हत्ता के जे की आखिरी वैल्यू आ जाएगी एन माइनस वन, तो ये अंदर होगा ए जीरो एन माइनस वन प्लस बी जीरो एन माइनस वन, इनका सम असाइन हो जाएगा किस लोकेशन पे, सी जीरो एन माइनस वन. तो एन माइनस वन के बाद जब जे में एक का इजाफा करेंगे तो जे एन हो जाएगा, और ये फाल्स हो जाएगी कंडीशन लाइन 32 वाली. तो कंट्रोल यहां से निकल के लाइन 31 पे आ जाएगा, अब आई में एक का इजाफा होगा. तो आपको काउंट कंट्रोल लूप वाला टॉपिक पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर आप मैट्रिसेस पे आए. फिर आई में एक का इजाफा हुआ तो आई वन हो जाएगा, अब आई वन लेकर कंट्रोल दोबारा लाइन 32 पे आएगा, यानी इस लूप के अंदर आ जाएंगे हम, क्योंकि आई लेस देन एम है, वन लेस देन एम है, एम आप चार पांच कुछ ऐसे फर्ज किया होगा आपने, थोड़ी बड़ी वाली होगी, तो आई वन इज लेस देन एम, इट्स ट्रू, अंदर आ जाए. फिर दोबारा जे जीरो से स्टार्ट होगा, तो ए वन जीरो इस्तेमाल हो रहा होगा, बी वन जीरो इस्तेमाल होगा, सी वन जीरो बनेगा, फिर जे में एक का इजाफा होगा, तो ए वन वन इस्तेमाल होगा, बी वन वन इस्तेमाल होगा, इनका सम सी वन वन में रखा जाएगा, फिर ए वन टू इस्तेमाल होगा, फिर बी वन टू इस्तेमाल होगा, इनका सम सी वन टू में रखा जाएगा. यूं चलते चलते जे में इजाफा होते होते जे की आखिरी पॉसिबल वैल्यू एन माइनस वन आ जाएगी, वो जो आपने भी मेरे कहने पे बोलने की कोशिश की थी, वो आखिरी वैल्यू आ जाएगी. तो आई इस मौके पे वन है, आई वन एन माइनस वन प्लस बी वन एन माइनस वन, ये दो वैल्यूज यानी दूसरी रो की आखिरी एंट्रीज की वैल्यूज आपस में ऐड होंगी, और कहां जाके रखना है इसको, सी वन एन माइनस वन में, सी वन एन माइनस वन में. उसके बाद ये जे वाली लूप फॉल्स होगी, हम बाहर आ जाएंगे, और फिर कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 31 पे. आई में एक और इजाफा हुआ, जे तो आई में जब एक और इजाफा होगा तो आई टू हो जाएगा, टू लेकर अंदर आ जाएंगे, जे इक्वल टू जीरो सेट होगा, उससे अंदर लाइन 33 पे आए, क्या लिखा होगा, ए टू जीरो, बी टू जीरो, ये ऐड होंगे और सी टू जीरो बनेगा. तो मींस ये कि इस तरह से बाहर से एक वेरिएबल सेट किया करेंगे, अंदर आके वेरिएशन करेंगे, तो वो रो मुकम्मल करेंगे, इस तरह बारी बारी सारी रोज मुकम्मल कर लेंगे. ये दिस इज द क्रक्स एंड द मेन पॉइंट ऑफ योर लेक्चर. इफ यू कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस डिस्कशन, देन बाकी फिर वही रह गया, एफ आई एन डी आई एन जी फाइंडिंग, टी एच ई द सम, एस यू एम सम, फिर हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, फिर हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे.
इस तरह से सारी रोज जब कवर हो जाएंगी, ये लाइन नंबर 31, 32, 33 में, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, बाकी सब कुछ इसी काम करने के लिए अरेंज किया गया है। तो जब हम इस सारी ट्रैवर्सिंग करके बाहर आ चुके होंगे और समेशन हो चुकी होगी, तो सी मैट्रिक्स कंप्लीटली बन चुका होगा और उसके बाद लाइन नंबर 36 पे आ जाए। अब बताएं इस बारे में ये क्या है। लाइन नंबर 36 में हम लोगों ने स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवाया ये, उसके बाद द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर। तो हम अब यहाँ पे फॉर लूप चली है, आई जीरो है और आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हम यहाँ जो लाइन नंबर 31 है, जब हम आई को जीरो पुट करेंगे या आई को वन या टू, जब आई की वैल्यूज आ रही होंगी तो जे सारा जीरो रहेगा, और जब जे की वैल्यूज पुट कर रही होंगी तो आई सारा जीरो रहेगा। अल्लाह माफी दे, तो इससे तो क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मैट्रिक्स में ऐसा करने से पता है क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा मैट्रिक्स का, आप कह रही है मैंने सिर्फ पहला रो और पहला कॉलम हैंडल करना है, जो आप कह रही है वो हिसाब ही होगा, लेकिन बाकी वेरिएशंस भी तो होंगी ना। ओके ओके सर, ठीक है, जो आपने बोला है उससे सिर्फ क्या चीज कवर होगी, मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम पूरा, ये कवर हो जाएगा। भाई दूसरा, दूसरी रो में पहली एंट्री के बाद भी एंट्रीज हैं, तीसरी रो में पहली एंट्री के बाद भी एंट्रीज हैं, आप वो तो कवर ही नहीं कर रही इस तरह बोलने में। आप सुने जरा, मैं तेज तेज बोलता हूँ, एक चीज जरा सुनिएगा, ये लाइन नंबर 33 पे हूँ, पहले क्या होगा, 00, 01, 02, 03, 02 एंड -1, ओके, फिर 10, 11, 12, 13, 1 एंड -1, फिर 20, 21, 22, 23, 24, up to 2 एंड -1, फिर 30, 31, 32, 33, यानी हर आई के लिए हर जे चलेगा और हर जे के लिए हर आई चलेगा, तब पूरा मैट्रिक्स कवर होगा ना। आगे समझ आया सर, अब आ गई जी, चलो शाबाश। लेकिन पता क्या मेरी बात, थैंक यू सर, आपको अभी जो अभी समझ आई है मेरे ख्याल में वो ये आई है कि हाँ मैथमेटिकली ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आप अर्ली क्लासेस से मैट्रिक्स से एफएससी से आप और B1 BS में भी मैट्रिक्स को ए आई जे लिखते आ रहे हैं, वो नीचे सबस्क्रिप्ट में आई जे लिख देते हैं, तो आप समझते हैं कि आई और जे कहां से कहां तक वेरिएशन होगी। पॉइंट ये है कि उस कंसेप्ट को यहां पर जो इंप्लीमेंट किया गया है लाइन नंबर 31, 32, 33 में, तो क्या है, दोनों चीजें आपस में मुकम्मल तौर पे कोरिलेट हो चुकी हैं, ये पॉइंट है एक्चुअली। और अगर ये हो चुकी हैं तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, अगर इसमें जो है वो चीजें समझ आ गई है कि हर आई के लिए जे की सारी एन तक वैल्यू जाएंगी और हर जे के लिए हर आई की एन तक वैल्यू जाएंगी। ठीक ठीक है, लेकिन हम तर्तीब एक ही रखेंगे ना, ये तर्तीब एक ही रखेंगे, पहले अगर आई की करेंगे, आई फिक्स किया करेंगे और जे वेरी कर देंगे, फिर आई में एक का इजाफा, फिर जे की वेरिएशन जीरो से एंड तक दोबारा, फिर आई में एक का इजाफा, फिर जे की वेरिएशन शुरू से एंड तक दोबारा, और जो शुरू का मतलब है जीरो और एंड का मतलब है एम माइनस वन या एन माइनस वन, जो भी क्रॉसपॉइंट लूप चल रही है। जो आउटर लूप होती है, देखें दो नेस्टेड लूप्स हैं, लाइन नंबर 32 वाली लूप लाइन नंबर 31 वाली लूप के अंदर है, तो इसका मतलब है ये नेस्टेड लूप्स हैं, तो आउटर लूप की वैल्यू फिक्स होती है और अंदर वाली स्टार्ट से लेकर एंड तक वैरी करेंगे, और फिर जब अंदर वाली मुकम्मल हो चुकी होगी, फिर बाहर वाली में आके एक का इजाफा करेंगे, फिर अंदर आएंगे और फिर अंदर वाला फिर दोबारा शुरू से लेकर जीरो से एन माइनस वन तक वैरी करेगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली हम रो वाइज ए और बी की पहली रो मुकम्मल कर लेंगे, सी की पहली रो मुकम्मल हो जाएगी, फिर ए और बी की हम दूसरी रो पे गुजरेंगे और सी की दूसरी रो बनती चली जाएगी साथ साथ। ठीक है, अच्छा, अब लाइन नंबर 37, 38 में आपने कुछ भी नहीं किया, दोबारा वही ट्रैवर्सिंग की है, अगर आप गौर से देखें जो ऊपर की तो थी, सबसे पहले आपने, मैं बताऊं सर, ये चलो बताओ सर, सर सबसे पहले हमने आई जीरो पुट किया, उसके बाद जे जीरो, जे जब आई जीरो पुट किया ना तो जे जीरो हो जाएगा, फिर जब आई वन करेंगे तो जे जीरो ही रहेगा, इसी तरह आई चलता जाएगा एन माइनस वन तक, तो जे जीरो ही रहेगा। गलत कह रही हूँ, छोड़ दे इसके बाद, आपने अभी जो रिकॉर्डिंग हो चुकी है ना, आपने इस रिकॉर्डिंग को बाद में नए सिरे से जब मुझे जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ना शुरू से लेकर एंड तक पूरे लेक्चर में, वो आप दोबारा गौर सुनिएगा और हाथ में पेन पेपर पकड़ के आई और जे की सिर्फ वैल्यूज लिखना शुरू कीजिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, आई को जीरो रखा, जे जीरो से एन माइनस वन, ये लिखिएगा हाथ से सिर्फ,
आई को आई इक्वल टू वन लिखा, जे जीरो वन टू एन माइनस वन मूव किया, फिर आई को आपने टू रखा, फिर जे जीरो से एन माइनस वन मूव किया, ये वाली बातें आपने कॉपी पे लिख ली अपने हाथ से, तो फिर आपको उम्मीद समझ आएगी, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई। 37, 38 पे दोबारा हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं टू डायमेंशनल एरे के अंदर। तो अगर आप नोट करें, ये काम हम चौथी बार कर रहे हैं इस कोड में। पहले हमने ए की इनपुट के लिए किया, फिर बी की इनपुट के लिए किया, फिर लाइन नंबर 31, 32, 33 में जो हमने किया वो तीसरी बार ट्रैवर्सिंग की, और तीसरी बार ट्रैवर्सिंग के दौरान हमने ए बी सी तीनों में इकट्ठा ट्रैवर्स किया, ए और बी की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू उठाने के लिए और सी में जाके सम रखने के लिए, ये हम तीनों में इकट्ठा ट्रैवर्स कर गए साथ के साथ। और फिर लाइन नंबर जो 37 और 38 पे लूप है, हम दोबारा पूरी मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करने के लिए नेस्टेड लूप्स बनाई हैं, और ये लाइन नंबर 40 पे हमने सी में ट्रैवर्स किया, और ये ट्रैवर्स किस काम के लिए किया है, ये ट्रैवर्स हमने किया है सी की वैल्यू प्रिंट करने के लिए। आई जीरो सेट होगा और जे जीरो से एन माइनस वन तक मूव करेगा, तो इससे क्या होगा कि इस लाइन नंबर 40 वाले सी आउट की वजह से सी आई जे में आई जीरो सेट किया, जे वेरी किया, तो ये पहली रो प्रिंट हो जाएगी इसकी, ठीक है जी। और रो प्रिंट होने के साथ ये आप क्या कर रही है, लाइन नंबर 41 क्यों लिखी हुई है, तो मेरा ख्याल है यहाँ तो 41 की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। 41 सर वो ना पहले एंडर लिखा था, वो रोज मैंने कहा नीचे आ जाएंगी कॉलम था, वो नहीं आ रहा था। फिर असल में देखें यहाँ थोड़ी सा को प्रैक्टिसिंग अगेन जरूरत थी, उसमें प्रैक्टिसिंग महज जो है वो ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल करते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं कभी कभार, लेकिन जो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं आपको उस एक्सपेरिमेंट का मतलब चले समझ में आ जाना चाहिए, और उस ताकि उसके बाद अगर उस एक्सपेरिमेंट से कुछ जो कुछ मिले, आप उस मिले गए को उस जो जो बिहेवियर सामने आए आउटपुट का, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। यानी आपने मुख्तलिफ चीज़ ट्राई करनी है, जिस तरह बकौल आपके एंड लगाए ये किया वो किया, लेकिन उसका जो चीज़ भी ट्राई की उससे जो इफेक्ट आया आपको वो इफेक्ट समझ में आना चाहिए। अब इस देखें होगा क्या, अब जस्ट इतनी सी बात हो रही है, सी आई जे की एक वैल्यू प्रिंट हो गई, उसके बाद टैब एक प्रिंट हो गई, नेक्स्ट लाइन में आया टैब दूसरा प्रिंट हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा इससे, तो एक रो प्रिंट होगी लेकिन उन दो एलिमेंट्स के दरमियान में गैप जितना भी होना था एक टैब के साथ, वो गैप डबल कर रही हैं आप और कुछ नहीं है इसमें। बात यह है कि रो मुकम्मल होने के बाद आपकी ख्वाहिश है नेक्स्ट लाइन में जाने की दूसरी रो के लिए, फिर तीसरी रो के लिए मजीद नेक्स्ट लाइन में जाने की ख्वाहिश है, वो एंड एल से ही पूरी होगी। पॉइंट सिर्फ ये है कि अब वो एंड एल कहाँ लगाना है, तो बात ये है कि वो एंड एल इस जे लूप के अंदर नहीं आएगा, लाइन नंबर 39 से 42 तक जे लूप का ब्लॉक है, इसके अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो इसके बाहर आएगा आई के ब्लॉक के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन नंबर 37 में जो लूप स्टार्ट और ये आई लूप, इसमें दो चीजें हैं, एक जे लूप है और एक एंड एल आपने प्रिंट करना है। तो इसका मतलब है कि लाइन 37 के फौरन बाद आपको ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी आई लूप के लिए। अभी आपने ब्रेसेस लगाई हैं जे लूप के लिए, 39 से लेकर 42 तक जे लूप लगाई हैं। सिमिलरली आपको लाइन नंबर 37 के बाद जो मतलब जो लाइन नंबर 37 पे आई लूप स्टार्ट हो रही है, इसके फौरी बाद आपको ब्रेस लगानी है, और लाइन नंबर 42 के बाद कहीं जाके उसको आपने फौरन बाद उसको एंड करना है, लेकिन उसको एंड करने से पहले कहीं आपने एंड एल लिख देना है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि आई जीरो रखकर आपने जे पूरा वेरी किया, पूरी रो प्रिंट हो गई। पूरी रो प्रिंट होने के बाद जब दोबारा कंट्रोल आई प्लस प्लस वन की तरफ जाने लगेगा, तो वहां जाने से पहले एक एंड एल प्रेस हो जाए, कर्सर नेक्स्ट लाइन मूव कर जाए, उसके बाद आई में एक का इजाफा होगा, आई वन होगा, फिर आई वन के लिए जे जीरो से लेकर एन माइनस वन तक वेरी करेगा, और उसके बाद जब जे की वेरिएशन एन माइनस वन तक मुकम्मल हो जाएगी, इस जे लूप से बाहर आएंगे तो बाहर एंड एल मौजूद है, वो इस एंड एल की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन मूव करेगा, उस मूवमेंट के बाद कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 37 पे।